वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ढोकला। मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन, चीनी, नमक, हल्दी, नींबू का रस और अदरक मिर्ची का पेस्ट, मिर्ची कुटी हुई और दो इनो। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ठीक है। अब हम इसको मिला लेंगे पानी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको फेटेंगे। धीरे धीरे मिलाएंगे ताकि आटा मोटा ना हो, ठीक है, ताकि इसमें गुठली ना पड़े। अब हमारा बेसन फेट चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, लगभग 1-2 चम्मच, अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद डालेंगे नींबू का रस, ठीक है। मैंने इसमें 2 नींबू का रस डाला है, बाकी हम नींबू का रस इसके पानी में डालेंगे। और अदरक लहसुन का, अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, ठीक है, और इसको मिलाकर आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसको, अच्छे से फेट के इसको लगभग आधा घंटे इसको ढक के छोड़ देंगे, ठीक है। चले चलते हैं जब तक हम इसके पानी को तैयार करते हैं। मैंने इसके पानी के लिए सामान तैयार कर लिया है। मैंने लिया है 2 नींबू का रस, नमक और चीनी, 3-4 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी राई। मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, लगभग 1-1.5 चम्मच। ऑयल को हम गर्म होने देंगे, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पहले राई। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कढ़ी पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसको हल्का लाल होने तक भूनेंगे। अब हमारी मिर्ची लाल हो चुकी है, मतलब हल्की सी ब्राउन सी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 नींबू का रस डालेंगे जो मैंने तैयार कर रखा है। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और लगभग 2 चम्मच नमक और इसको लगभग 15-20 मिनट तक इस पानी को पकने देंगे। इसको ढक देंगे अब हम। अब हम क्या करेंगे, बेसन हमारा रेडी हो चुका है, मतलब कि अब ये तैयार है ढोकला बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसे अच्छे से
सेट कर पूरे में ऑयल को लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम दो इनो के पाउच मिलाएंगे। आप चाहे तो पहले इनो को पानी में भी घोल के मिला सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डाला है। पहले इसको मिला लेंगे तब मैं दूसरा वाला पाउच डालूंगी। ये अच्छे से मिल चुका है बैटर, अब हम दूसरा वाला इनो मिलाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। और इसको अच्छे से अब मिला लेंगे। अब हमारा बैटर तैयार है, इसको खूब अच्छे से मिला के इसमें डाल के हम ढोकला उबलने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें इसको डाल देंगे। अब मैंने एक भगोने में पानी रख लिया है, अब इस पानी को हम गर्म होने देंगे और फिर इसमें ढोकले जिसमें ढोकले का बैटर डाला है उस बर्तन को रखेंगे। अब हमारा ये पानी खोल चुका है, अब हम इसमें ढोकले का बर्तन रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको आधा घंटे के लिए ढक देंगे। अब हमारा पानी इसका रेडी हो चुका है ढोकले का, तो अब हम पानी को बंद कर देंगे और ढोकला तैयार होने तक इसको ठंडा होने देंगे। अब हमारा ढोकला बनके तैयार है, पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ढोकला बना है या नहीं बना है, टूथपिक से चेक करेंगे। देखिए इसमें बेसन नहीं लगाया, इसका मतलब ढोकला हमारा तैयार है। अब हम इसको निकाल के इसमें पानी डालेंगे। अब हम इस ढोकले को कट करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ढोकला हमारा तैयार है। ढोकला हमारा तैयार है।